हमने वो कर दिखाया जो लोगों को असंभव लग रहा था। अलास्का, निवादा और एरिजोना में जीत हासिल करना मेरे लिए बड़ी बात है। ये अविश्वसनीय है। मैं अमेरिका के लोगों के परिवार और उनके भविष्य के लिए लड़ूंगा। अगले 4 साल अमेरिका के लिए अहम है। ये अमेरिका के इतिहास की सबसे शानदार जीत है। 6 नवंबर को चुनाव जीत जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार भाषण दिया। अमेरिका के अब तक के इतिहास में रिपब्लिकन पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की जीत पर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ये जीत बड़ी है और सबका सवाल यही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली। तो 3 फैक्टर जिससे ट्रंप को मिली जीत। अब 3 अहम फैक्टर्स पर बात करेंगे जिसमें सबसे पहले बात होगी ट्रंप पर फायरिंग की। 13 जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर गोलियां चली। AS स्टाइल 556 राइफल से ट्रंप पर फायरिंग की गई थी जो कि उनके कान को छूकर निकल गई थी और ट्रंप बाल बाल बचे थे। ट्रंप के कान से खून बह रहा था लेकिन वो खड़े हुए और उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। हीरो की तरह नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। गोली लग जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप वापस खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मौत और उनके बीच बस मिली सेकेंड का फर्क था। अगर वो अपना सिर नहीं घुमाते तो बुलेट उनके सिर में लग सकती थी। इसके बाद हवा में मुट्ठी लहराते हुए उनकी ये तस्वीर जमकर वायरल हुई थी। इस फोटो में वो निडर और कॉन्फिडेंट लीडर के तौर पर नजर आ रहे हैं और ये अंदाज अमेरिका के लोगों के दिल को छू गया। गोली लग जाने के बावजूद बिना किसी डर के ट्रंप कई चुनावी रैलियों करते हुए नजर आए और फिर पॉलिटिकल प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म पॉलीमार्केट के आंकड़ों के मुताबिक ट्रंप को गोली लगने के बाद उनकी जीत 70% के हाइक पर पहुंच गई थी। और इसके बाद बात करेंगे अगले फैक्टर की, तो वो है इलॉन मस्क, जो कि इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का साथ देते हुए हर जगह नजर आए। इलॉन मस्क ने समर्थन करते हुए ट्रंप को वोट देने वाले वोटर्स को $1 मिलियन यानी कि 8.40 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। और चुनाव की आखिरी 6 तारीख तक इलॉन किसी न किसी एक वोटर को $1 मिलियन बांट रहे थे। और क्योंकि इस चुनाव में स्विंग स्टेट अहम भूमिका निभाने वाली थी, इसलिए ये स्कीम सिर्फ स्विंग स्टेट्स के लिए थी। मिडिल ईस्ट और रशिया यूक्रेन जंग रुकवाने का दावा। और अगला फैक्टर है जो सबसे अहम है, मिडिल ईस्ट और रशिया यूक्रेन जंग को खत्म करना। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध शुरू नहीं बल्कि इसे खत्म करूंगा। अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने इसराइल हमास जंग को जड़ से खत्म करने के दावे किए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजरायली पीएम से जल्द इस जंग को खत्म करने के लिए कहा है। मुद्दा यह है कि अमेरिका रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन का साथ दे रहा है और उसे जरूरत की चीजें मुहैया करा रहा है। वहीं इसराइल हमास जंग में वो इसराइल का सहयोग कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ने की वजह अमेरिका का शामिल होना भी है। अमेरिका की जनता इसे सीधे तौर पर अपने देश के पैसों की बर्बादी मानता है। ऐसे में ट्रंप का इन दोनों जंग को खत्म करने का दावा करना चुनाव में जीत की वजह है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के वादों ने बड़ा असर डाला है। ट्रंप ने कई मौकों पर ये वादा किया था कि वो अपने शपथ ग्रहण से पहले ही रूस यूक्रेन जंग को खत्म करवा देंगे। अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से आए लोगों को देश से निकालने का दावा भी ट्रंप ने किया था। जाहिर सी बात है, ये सभी दावे इस जीत में अहम जगह रखते हैं और जाहिर सी बात है ये जीत बड़ी है और ऐतिहासिक भी है।